सो गाइज अब बना रहे हैं हम यहाँ पे बारबेक्यू। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है यार, सही काम कर रहा है। सही काम, लास्ट टाइम मैं नहीं बनाए थे, मेरे को शेफ रख लो। टूरिस्ट हैं हम। आई एम फ्रॉम युगांडा ब्रदर। हमें बोलना है कोई फ्रॉम स्पेन, वो दोनों नहीं ही बात है वही भाई। आप बोलो। हाय, क्या हाल है आजी? इसका कलर लेकिन अच्छा है ना, टेस्टी है। क्या अमेजिंग व्यू है ना ऐसे। What's up everybody, this is Sharik Bakshi and welcome to my YouTube channel guys। तो स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में यार। तो गाइज आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज हम जा रहे हैं भाई गुलमर्ग। तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी टाइम हो गया गुलमर्ग नहीं गए थे, तो सोचा आज यार एक ट्रिप करते हैं गुलमर्ग। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्लॉग होने वाला है, अमेजिंग चीज़ें करने वाले हैं। तो भाई करते हैं यार शुरू आज का व्लॉग, Let's get started। Hey guys, तो अभी हम रास्ते में हैं गुलमर्ग जाने के लिए और देखो यहाँ पे कौन है साथ में। क्या बोलना कुछ? Assalamualaikum। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है सब लोग। अभी कहाँ से जवाब देंगे? बता भाई। Hello, Assalamualaikum guys। अब मैं फाइनली टेक ओवर कर रहा हूँ यहाँ से व्लॉग। अब मैं दिखाता हूँ आपको बिहाइंड द सीन्स। ये सीन्स आपने अभी तक नहीं देखे होंगे क्योंकि आपने हमेशा ऐसे एंगल में देखा है। अब इस एंगल में, थर्ड पर्सन एंगल में देखोगे आप। तो अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग। अभी हम हैं, अभी जस्ट मागम क्रॉस किया हमने। अब हम मागम क्रॉस करके आगे चले गए। अभी बर्फ हुई है ना? हाँ, अभी हमें यहाँ से अराउंड कितना, एक डेढ़ घंटा लगेगा? एक घंटा तो लग ही जाएगा इंशाल्लाह, एक घंटे से ज्यादा ही। तो उसके बाद अब हम आपको डायरेक्ट गुलमर्ग पहुंच के मिलते हैं। बर्फ एंजॉय करने जा रहे हैं क्योंकि सिटी में तो इस साल पड़ी नहीं, बहुत कम पड़ी, बस बर्फ को मिस कर रहे हैं। हाँ, अभी बर्फ सिर्फ उन पहाड़ों पे दिख रही है, टॉप पे पता नहीं यहाँ से दिख रही है। तो अब हम सीधा गुलमर्ग में कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। कुछ फाइनल वर्ड्स कहने आपको अभी इस क्लिप में? फाइनल वर्ड्स क्योंकि ये क्लिप फिर एंड करेंगे ना, उसके बाद वापस एक मौसम की जानकारी। अच्छा, मौसम की जानकारी जो आज दी है, अभी टेम्परेचर है करंटली श्रीनगर में तो पता नहीं अराउंड कितना, 10 चल रहा था। अभी 14 चल रहा है श्रीनगर में, बट जब मैंने मॉर्निंग में चेक किया था तो गुलमर्ग में 5 डिग्री था। अभी तो वहाँ भी बढ़ गया है। अभी गुलमर्ग में, हाँ हाँ कल से है, अभी गुलमर्ग में 8 हो गया है, 8 डिग्रीज और दिखा रहा है पार्टली क्लाउडी, बट रेन के चांसेस हैं थोड़े बहुत। तो अब वहाँ पहुँच के पता चलेगा। और अभी तो उतना ट्रैफिक नहीं है ना, नहीं। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे व्लॉग करते हुए, मुझे लग रहा है मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ व्लॉगिंग चैनल। अभी सब इसी में जा रहे बट बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, इससे तो डिफरेंट ही आता है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अब गुलमर्ग की तरफ। कम अब कितना डिस्टेंस है? कम ही है ना, अब कम ही है। अभी हम इससे पहले भी एक जगह रुके थे मागम से आगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लेने। अब उसके बाद हम सीधा चल रहे हैं। अभी कितना होगा, 15-20 किलोमीटर होगा। एंट्री तो की वैसे, हाँ अब तो बस हम उस ऊपर ही जा रहे हैं जस्ट। और ये देखिए अब व्यू, गुलमर्ग मुझे लगती है ऐसी जगह है जो 12 के 12 महीने यहाँ का अमेजिंग ये होता है व्यू। चाहे समर्स में आओ विंटर्स में आओ, यहाँ अमेजिंग व्यू होता है। ये जंगल जो होते हैं ना, ये ज्यादा अच्छा व्यू है। हाँ, और ये देखें क्या कुदरत का, ये देख खूबसूरती क्या है। वैसे ओवरऑल ट्रैफिक नहीं है ना उतना, ट्रैफिक नहीं है। सो यार यहाँ से हिली एरिया देखो कितना अमेजिंग है, ग्रीनरी बहुत जबरदस्त है। इसकी भी वापस टेक ओवर करते हुए, इसके भी टेक ओवर करते हुए अमेजिंग व्यू।
मौसम अभी काफी बढ़िया है, मुझे काफी गर्मी हो गई, मैंने खामो खामी इतनी लेयर लगाई, तू लगाया तुम्हें और दो चार लेयर्स लगाने गलत, मुझे लगा सुबह जब मैंने वेदर देखा मेरे को लगा कि बहुत ठंड होगी, मैंने अंदर से ऑलरेडी किया मुझे लगा कि साथ में एक जैकेट रखूंगा बस हो गया, काफी होता है इतना क्योंकि ये है ना इसको विंटर्स मत है माइनस का मसला मत, बट मैंने सोचा कि ठंड होगी, ठंड होगी उधर बट उतनी भी नहीं, मुझे जैसे यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि ऊपर भी इतनी ठंड होगी, हाँ ऊपर भी एक एक स्वेटर या एक जैकेट लगाने कौन सा माइनस चल रहा है भाई, माइनस में प्रॉब्लम होती है तब की बात अलग है, तब ये गाड़ियाँ थोड़ी इस पे चढ़ती है, नहीं मैंने इसको म्यूट किया, म्यूट किया, हाँ हाँ मुझे लगा ये होगा कॉपीराइट के लिए भाई, यही मसला होता है ना, क्या चीज कॉपीराइट के लिए, म्यूजिक दो चार लेयर्स लगाने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं जरूरत है ना, अभी नहीं मतलब अपनी जरूरत है अब नेक्स्ट विंटर इंशाल्लाह। सो गाइस अब हम यहाँ थोड़ा एक स्पॉट पे रुके हैं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, ये देखो भाई व्यू क्या है यहाँ से अमेजिंग, ये हमारी गाड़ियाँ तो यहाँ से व्यू बहुत ही सही है और यहाँ की ड्राइव भी बहुत अमेजिंग है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कैसा चल रहा है भाई कैसा ड्राइव रहा है ना अमेजिंग, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा मौसम है, अभी क्या टाइम लगे है 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, कितना टाइम लगेगा 5-6 किलोमीटर अब बचे हैं तो वही 10-15 मिनट लगेंगे, सो अभी यहाँ थोड़ा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, अरे ठंड नहीं है भाई ये देख क्या लगा है, अरे ये इसके अंदर एक और सेम ऐसी वाइट मैंने लगाई है ना और उसके अंदर फिर थर्मल, क्या बकवास, अरे सुबह वेदर पता है क्या था, अरे क्या था वेदर, अरे 5 डिग्री दिखा रहा था गुलमर्ग में, परेशान हो गया मैंने कहा कि बचने के कुछ भी बोलता है, अरे ऊपर से जिस आजीन आ जाए, हेलो सो गाइस आप लोगों ने इनको देखा होगा मेरे पिछले एक व्लॉग में, हाय करो, हाय क्या हाल है आजीन, ठीक हो आज इनकी यार थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, स्प्लेंडर बट स्प्लेंडर पे कपल एक स्प्लेंडर पे जा रहे वरना ऐसे ही इस पे श्योर, आज इनकी थोड़ी तबीयत आज इनकी और इसकी हाजिर की ठीक नहीं है, सो बट हमने सोचा यार इनको लेते साथ में गुलमर्ग जाएंगे घूमने, मज़ा आएगा ये भी थोड़ा इन्जॉय करेंगे, पानी की आवाज़ कहीं से आ रही है मेरे को, ये क्या है, बहुत हल्की है ना, हल्की हल्की आवाज़, पानी का वही है ना, अगर यहाँ पे पानी अगर पानी होता क्या अमेजिंग होता, गुलमर्ग में वही एक कमी है ना, बट उसके बदले यहाँ पे ये है कि बर्फ में अमेजिंग है ना, और हाँ हमने रास्ते में से मीट उठाया बोनलेस रान का, तो हम तुझ बनाने वाले बारबेक्यू साथ उठाया हमने, सो अमेजिंग तुझ बनाएंगे आज, अच्छा अमेजिंग स्पॉट हम चूज करेंगे, स्पॉट लेंगे एक ज़बरदस्त और बारबेक्यू लगाएंगे हम, ग्रिल अमेजिंग, मज़ा आएगा इस मौसम में बारबेक्यू लगाने का अलग ही मज़ा है, सो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकते हैं और उसके बाद निकलते हैं वापस से, गाइज व्यू दिखाता हूँ यहाँ से क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है, यहाँ पे साइड पे गाड़ी रोकी मैंने, सुपर व्यू है वो देख रहे हो, पहाड़ पे बर्फ पड़ी हुई है, मैं फोन पे वाइल्ड लैंडस्केप ट्राई कर रहा हूँ, ले जरा कुछ अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग व्यू आ रहा है, यहाँ से जाएंगे क्या अमेजिंग व्यू है ना, सर
सुपर व्यू आ रहा है भाई। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं यार गुलमर्ग। जबरदस्त व्यू है यहाँ पे और गर्मी बहुत ज्यादा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी गर्मी होगी, लेकिन आप बहुत चालाक हो, आपने हाफ स्लीव्स लगाई और एक जैकेट। कॉमन सेंस है, हमने गर्म सूट लगाया। कॉमन सेंस है, आप समझ नहीं आ रहा इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। मैंने गलती की यार भाई, यही होता है जब व्हेन यू फॉलो गूगल तब यही होता है। ये वो रास्ता जो गूगल मैप्स को फॉलो करो, समंदर में से भी बोलता है समंदर बोलता है ले लो राइट। पहाड़ पे असली बर्फ है बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ बिल्कुल मेरे को लगा था नहीं, ये ड्राई वेदर है यहाँ, धूप भी अच्छी खासी है। गरम सूट लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। टूरिस्ट्स भी काफी ज्यादा हैं, फेज टू पे बर्फ होगी। यहाँ पे कहाँ बर्फ होगी यार, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कुछ ज्यादा नहीं है ना, प्लेजेंट मौसम अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसी शाम को हो जाएगी थोड़ी, जिनको भी जो भी आना चाहे तो कम से कम गर्म कपड़े ना, बस एक आध स्वेटर या जैकेट, वो भी नहीं स्वेटर, मतलब साथ में होना चाहिए जैकेट बस। समर के कपड़े ठीक है। मुझे न्यूज मिली थी यहाँ पे है बर्फ, इसलिए मैंने वो शूज वूज निकाले थे ना, लॉन्ग शूज। मैंने इसलिए कैजुअल शूज लगाया और मैंने वो साथ मैंने में रखा। वो भी उठाया, मैंने भी लगाया था, इसने लगाया भी था, वही घर भी लगाए थे, इसने स्नो बूट्स लगाए थे। मुझे लगा कि वहां पे उतरती अच्छी खासी बर्फ होगी। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम अपने स्पॉट पे यार। पहले हमने सामान निकाल लिया और हट में रख दिया है, तो ये अपना हट है। आज का वीकेंड हम यहीं पे गुजार रहे हैं। अमेजिंग हट है, सुपर्ब, और यहाँ से व्यू क्रेजी है। मैं सोच रहा हूँ विंटर्स में क्या क्रेजी व्यू होता है ना, जब बर्फ होती होगी तब मजा आएगा है ना। किसी तरह से वॉक करते हुए, हाँ यहाँ से पूरा वॉक करते हुए बर्फ में, अमेजिंग। अभी हमें वो भी देखना है ATV का क्या सीन है। ATV देखने वाले यार हम, तो यहाँ पे देखी काफ़ी सारी, तो शायद चलाएंगे अगर हुआ कुछ हिसाब ऐसा। तो अभी हम चाय पी रहे थे, आके ही पहले चाय पी क्योंकि चाय की ज़रूरत थी। सो चाय वाय पी ली, अब थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पे, थोड़ा चिल करेंगे। थोड़ी सी ठंड हवा हो गई है, मुझे लगता है जैकेट निकालो, जैकेट निकालो। और 3 बजे के बाद ही हो गया ना थोड़ा बादल स्टार्ट, और यहाँ यूजुअली पड़ती है बारिश वही। सो अब थोड़ा सा हम करेंगे चिल विल, उसके बाद लंच वंच करेंगे, थोड़ा सा तैयारी करेंगे लंच की। फ़िलहाल हमने सामान निकाल के हट में रख दिया है, तो और फिर थोड़ा सा आराम भी करेंगे। अमेजिंग मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। सो गाइस ये अपना हट, ये एंट्री पॉइंट है अपना। हम अभी खेलेंगे ना वो। क्या लंच के लिए? मैं अभी निकालूंगा जैकेट, जैकेट निकालूंगा अभी। चलो भाई चले फिर, चलो। सो गाइज अब हम निकल रहे हैं लंच के लिए, तो सोचा कि बाहर ही लंच करेंगे। यहाँ पे भी पका सकते थे बट मन कर रहा है थोड़ा बाहर ही करते हैं लंच। और ये बर्फ है अपनी, यही थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, उसके बगैर कोई भी बर्फ बिल्कुल नहीं है, तो यही थोड़ी सी बर्फ देखने को मिली है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्नो बूट्स लगा के हमें बर्फ में चलना पड़ेगा गाड़ी में। अब मैं जैकेट निकालता हूँ पहले, यार ठंड हो गई, अब ठंडी हवा हो गई बहुत, 3 हो गए। तो अब चलते हैं यार, पहले लंच करते हैं, थोड़ा भूख लग गई है अब काफ़ी। वो अबैंडन स्ट्रक्चर है, हाँ वहाँ पे मज़ा आएगा अंदर रिकॉर्ड में, थोड़ा सा लगेगा वो, पता नहीं वहाँ पे कहाँ एंट्री होगी, ये बंद होगा ना, मतलब बंद होगा, कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं आपको अलग हम लोग भी रहे टूरिस्ट टूरिस्ट हैं। आई एम फ्रॉम युगांडा ब्रदर,
I don't wear jacket. I'm from Uganda, brother. जितना मैं नाटक कर सकता था मैं कर लिया। भाई यहाँ क्या बूट है? दस में रुका जवाई के। जाए जवाई। तेरा बैग से भी ऊपर था क्या जवाब मेरे को लग रहा है वो लफाबरे का दम नहीं डलते। मेरे को इतनी लाइन आती है इसके बाद करने। जबरदस्त। So guys, लंच कर लिया हमने। हम आए थे ग्रैंड मुमताज लंच करने के लिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा शूट करते हैं और क्लिक्स विक्स लेंगे थोड़ा इसके गार्डन एरिया में। हम अभी यहाँ से भी काफ़ी क्रेजी व्यू आता है यार। सो अब हम थोड़े यहाँ पे फोटोज़ वोटोज़ लेंगे और कुछ वीडियो शूट करेंगे और तो फिर यहाँ से निकलेंगे हम। क्लिक्स करते हैं। ठीक है सो गाइज, अभी हम हट में वापस आ चुके हैं और हम लगा रहे हैं यार बारबेक्यू। अब तो बारबेक्यू जला रहे हैं अभी गार्डन में और शीट वीट बिछा दी हमने वहीं पे। तुझ बनाएंगे ज़बरदस्त मज़ेदार और साथ में फिर बाद में बनाएंगे चाय भी कड़क। तो फ़िलहाल हम उसको अब जलाएंगे बारबेक्यू और करते हैं हम शूट। और मैंने लगाया है टाइम लैप्स पे वीडियो, वो भी दिखाऊंगा। क्या कर रहा है वो वाला मीम है करो। वो डिसअपॉइंटेड पाकिस्तानी। मैं अभी वैसा ही डिसअपॉइंट हूं क्योंकि जल नहीं रहा है ना, क्योंकि गीला है सब कुछ। गीला गीला है सब। सो गाइस, अब हम निकले हैं यार बाहर तक थोड़ा मार्केट तक घूमने के लिए। ऐसे ही यहां से व्यू दिखाता हूं मैं, बर्फ क्या पड़ी है पहाड़ पे। अमेजिंग बर्फ पड़ी है। कैसा लग रहा है? ठंड हो गई ना, असर होता है। हम अभी ऑफ द कैमरा इतना हंसे है ना। अरे बहुत कॉमेडी सीन हो गया जो हमेशा ऑफ द कैमरा ही होता है। कैमरा ही होता तब कहाँ कैमरा लेगा इंसान। तो मैं वही हंसते हंसते ना थक गया हूँ। तो अब इसीलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। अनोखे लोग हमें यहाँ पे कुछ मिले, बहुत क्रेजी है, जैसे बहुत एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते यार। सो अब चलते हैं हम यहाँ से वापस हट की तरफ। थोड़ा सा घूम रहे थे हम यहाँ पे, साइट सीन कर रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ से। सो गाइज, अब बना रहे हैं हम यहाँ पे बारबेक्यू। बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है यार, सही काम कर रहा है। सही काम, लास्ट टाइम मैं नहीं बनाए थे, मेरे को शेफ रख लो। तो मेरा सू शेफ है। इससे ज़्यादा क्या बनेगा? ये अंदर ही इनकी किचन में ही थी। स्मेल क्या अमेजिंग आ रही है। चाहिए इसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक अच्छी खास। कोल्ड ड्रिंक हमें है बहुत, लेकिन ठंड है यार। वहाँ से देखो गाइस, वहाँ पे धूप निकली है। आधा माउंटेन धूप में और आधा यार छाँव में। और यहाँ पे हमारा यार टाइम लैप्स चल रहा था, वो टाइम लैप्स खत्म हो गया। बैठा हुआ है, वो कुत्ता बैठा हुआ है, जाने की जरूरत नहीं है आपको। कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ते ने भी बारबेक्यू खाया ना, उसको तुझ खिलाई हमने। अभी तक वही चबा रहा है, अभी तक वही चबा रहा है। सो गाइस, हमारी तुझ यहाँ पे। सॉरी सॉरी, देखा ही प्लेट मारा तूने मेरे को हाथ। अरे मैं वो फोन में घुमा हुआ। तूने फोन चला रहा है यहाँ से प्लेट घुमा रहा है। कैसा लगा? अमेजिंग था। कितना अच्छा टेस्ट था? बहुत। कैसा? बहुत अच्छा, मजेदार, पता है मजा आ गया आज। तुझी बनाने में का अलग ही मजा है। और स्टैंड में और इर्द गिर्द देखो क्या सीनरी है, है ना, व्यू भी अच्छा है। व्यू कितना अच्छा है। और इसमें बारबेक्यू लगाना फिर बनाना, ओ क्या मजेदार, है ना, कसम से। हाय, हे गाइस। तो इस वक्त अब शाम का वक्त हो रहा है, लेट इवनिंग, और हम गुलमर्ग से निकल रहे हैं। अब हम रास्ते में जाएंगे कहीं और चाय के लिए रुकेंगे।
तो फिलहाल हम ये हिली एरिया कवर कर रहे हैं और उसके बाद हम कहीं जाएंगे, स्टॉप लेंगे। मतबा मजा आया ना? कैसा रहा भाई? अरे मजा आया, मस्त मजा आया, बस एग्जॉस्ट हो गए। अब कहीं भी चाय पियेंगे, चाय पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाय बहुत जरूरी है, टायर्ड हो गए ना। इतना एंजॉय किया, इतना वो बारबेक्यू के साथ लगे पूरा 2-3 घंटे, मजा आया, काफी अमेजिंग था। सो अब चलते हैं यार, और कहीं पे चाय वाय लेते हैं हम, और फिर निकलेंगे हम घर के लिए। हे गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं यार स्पॉट पे, चाय स्पॉट। तो अब यहाँ पे चाय वाय पियेंगे थोड़ा, और चाय के साथ थोड़ा कुछ स्नैक्स स्नैक्स लेंगे। टायर्ड हो गया अब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब लेट भी हो गया और काफ़ी हेक्टिक रूट भी था। तेरा क्या सीन है, थक गया तू? डेड लग रहा है आँखों से ही। व्लॉग की स्टार्टिंग में मैं इतना एनर्जेटिक था, मैं कह रहा था आज मैं व्लॉग टेक ओवर करूँगा, आज मैं ही व्लॉगिंग करूँगा। अब दिन के एंड में मैं खत्म, डेड, पूरी हालत खराब, एग्जॉस्ट हो गया बहुत ज़्यादा भाई। लॉन्ग ट्रिप्स में तो होता ही है, बट बहुत बहुत अमेजिंग ट्रिप रहा, बहुत मज़ा आया। और चाय अभी नहीं पीना हमने, अभी हम चाय पियेंगे तो सेट हो जाएंगे, फिर वापस से एनर्जी आएगी, फिर से एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे अभी चाय हमारी तैयार हो रही है, मज़ेदार चाय पियेंगे कड़क, और साथ में कुछ लेते हैं स्नैक्स, हल्के से लाइट ही लेंगे, भूख तो है नहीं ऐसे। कैसी है चाय? पी लो, जो बोलते ट्रेंड है अपनी सुन रहे हैं। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करता हूँ, देख कैसी है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इसको मक्खन डालिए, बोला कि है ना, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, दिखा इसका कलर लेकिन अच्छा है ना, टेस्टी है, मतलब अच्छी है। पीछे जाओ, क्या लिप्टन चाय? शुक्रिया, ये मेन चाय। कैसा टेस्ट है? मस्त मस्त, कड़क है, कड़क कड़क है। अरे सर, मैं कह रहा हूँ कि इतना लंबा कुत्ता, ये लंबा है वो, इतना ऊंचा है, इसकी हाइट अच्छी है, इसकी हाइट अच्छी है। हे गाइस, तो फाइनली हम यार गुलमर्ग से वापस आ चुके हैं घर। अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।